राजकीय चिकित्सालय के सामने बने ओवर ब्रिज की नगर परिषद द्वारा कोई सार संभाल नहीं लेने से अब ब्रिज के ऊपर बनी सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं क्षतिग्रस्त सड़क और गड्ढों से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। ताजा हालात की बात करें तो बरसात के मौसम में इन गड्ढों के कारण वाहन चालक खासे परेशान है। बाड़मेर शहर के मुख्य मार्गों की टूटी सड़कें बड़े हादसों का न्योता देती नजर आ रही है। बारिश के दिनों में सड़कों पर बने इन गड्ढों से हादसों की आशंका और भी अधिक बढ़ जाती है और कई वाहन चालक इन सड़क मार्गों पर बने गड्ढों के कारण हादसों का शिकार होते नजर आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जिला अस्पताल के ठीक सामने बने नेहरू नगर ओवरब्रिज की। सेवा सदन से सिंदरी सर्किल की और शहर को हाईवे से जोड़ने वाली इस ओवरब्रिज की सड़क इन दिनों काफी जर्जर हो गई है। ब्रिज पर बनी इस सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जिससे दुपहिया वाहन चालकों को हरदम हादसे का भय सताने लगता है। सड़क पर बने गड्ढों से अत्यधिक परेशानी दुपहिया वाहन चालकों को हो रही है और बारिश के दिनों में दुपहिया वाहनों के स्लिप होने की आशंकाएं भी यहां बढ़ जाती है। मौलेवासियों की माने तो ओवरब्रिज की सड़क पर गड्ढे होने के कारण दुपहिया वाहनों के स्लिप होने का अधिक खतरा बन जाता है और बारिश के दिनों में यह खतरा काफी बढ़ जाता है। ये जो ब्रिज है हॉस्पिटल के सामने, इसके ऊपर की स्थिति जो है वो काफ़ी जगह से सड़क टूट चुकी है। इस वजह से जो टू व्हीलर वाले हैं ज़्यादातर यहाँ पे स्लिप होके इस खड्डों की वजह से यहाँ गिर जाते हैं, तो इसको रिपेयरिंग के लिए भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि इस यहाँ इस जगह पर कई लोग गिरते हैं। कई बार आपको भी ध्यान में होगा कि एक्सीडेंट हुआ है, किसी का सिर फटा है, कहीं खत्म भी हुए लोग। तो क्या मांग है प्रशासन और नगर परिषद NHAI से? इसको व्यवस्थित करवा दे तो कम से कम आम जनता को एक राहत मिलेगी। गौरतलब है कि नेहरू नगर के ऊपर से गुजरने वाली इस ओवरब्रिज का निर्माण का शुभारंभ 24 सितंबर 2013 को तत्कालीन राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी, तत्कालीन सांसद हरीश चौधरी और बाद में विधायक मेवाराम जैन ने किया था, जिसके बाद से इस ओवरब्रिज पर वाहन दौड़ने लगे और रेलवे क्रॉसिंग की समस्या से जूझ रहे जनता को कुछ राहत भी मिली। लेकिन पिछले 8 वर्षों से इस ओवरब्रिज पे कई गड्ढे बन गए हैं। हालांकि समय समय पर इसकी मरम्मत का कार्य भी हुआ, लेकिन इन दिनों ओवरब्रिज की इस सड़क का हाल बेहद नाशाज है। हालिया दिनों में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के प्रयासों से बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की 39 डामर सड़कों और एक अंडरब्रिज के लिए सरकार की ओर से 31 करोड़ की स्वीकृति मिली है, जिसमें नेहरू नगर ओवरब्रिज सड़क मार्ग का डामरीकरण शामिल है। लेकिन सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होने से आम जन में गड्ढों से हादसों का भय बना हुआ है।